वेलकम बैक माई चैनल और मैं हूँ रुचि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आपको मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा थैंक यू इसलिए क्योंकि अभी जो मेरी रिसेंटली मैं पिगमेंटेशन के ऊपर वीडियो गई है उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सारे कमेंट्स किए एंड लाइक किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज की जो वीडियो है वो भी हमारे फेस को ही लेकर के हैं। तो हमारी फेस की एक प्रॉब्लम तो दूर हो गई जो कि मेन पिगमेंटेशन एंड छाइयाँ, झुरियाँ, स्पॉटलेस डार्क पैचेस वगैरह की थी। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और दूसरे मेन अपने फेस के उसके ऊपर कि हमारे फेस में मतलब जो नेक्स्ट चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो है हमारा अंडर आई डार्क सर्कल। यस, आजकल आप लोगों ने देखा होगा, टीनेजर्स छोड़ दीजिए, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आपने मोबाइल फ़ोन्स देखे होंगे, वीडियो गेम्स चलाते रहते हैं एंड उनको चश्मे भी लगे हुए हैं। जबकि हम अगर अपनी एज की बात करते हैं, हमारे जनरेशन की, तो हम छोटे से बड़े हो गए अभी तक हमारे चश्मे नहीं लगे हैं हमारे आँखों में, क्योंकि हम हमारी आँखें कहते हैं ना, यू नो, हम पहले जनरेशन के हैं तो हमारा खान पीन अच्छा रहा है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। बट आजकल के जो बच्चे हैं उनका खान पीन जो है वो बिल्कुल ही एक तरह से बेकार हो गया है। वो बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, उनको पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह ज़्यादा पसंद आता है। अगर वही चीज़ घर में अगर आप स्नैक के तौर पे पराठा बना रहे हैं या फिर कोई हेल्दी चीज़ बना रहे हैं वो उनको पसंद नहीं आती, और बाहर का जो चटपटा ऑयली वाला जो बनता है जंक फूड वो उनको ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ डार्क सर्कल्स की, कि डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और अगर उसको समय रहते अगर आप रिमूव कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि वो इजीली बहुत ही कम टाइम में हट जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको नज़रअंदाज करते हैं और सोचते हैं कि चलिए थोड़ा सा तो ठीक हो जाएगा, तो ये अगर आप सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा, वो और बढ़ जाता है और नीचे जो हिस्सा है वो ज़्यादा ब्लैक लगता है और आँखें धंसी धंसी सी रहती हैं। और फेस अगर आपका एकदम मतलब क्लियर है, गोरा है और उसमें अगर आंखें धंसी और काली लगेंगी तो बहुत ही ख़राब लगता है देखने में, कभी कभी एम्बेरस भी होना पड़ता है लोगों के सामने। तो ऐसा ना करें और इसका तुरंत ही इलाज करें इस चीज़ के लिए। और इलाज के लिए भी आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मार्केट से कोई ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है या फिर कोई क्रीम वगैरह से, तो आप वो सबसे आप भूल जाइए क्योंकि मैं जो आपको रेमेडी बता रही हूँ उसको करने से आपके जो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है वो 2 से 3 दिन के अंदर यूँ ऐसे गायब हो जाएंगी। तो बट करना क्या है आपको बिल्कुल प्रोसेस देखिएगा, कैसे मैंने क्या क्या लिया है और किस तरह मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसको रेगुलर आपको करना है। बहुत से लोग क्या होते हैं कि एक दिन किए और फ़र्क नहीं दिखता तो वो बंद कर देते हैं, तो भाई ऐसा नहीं करना है, आपको उसको रेगुलर यूज़ करना है तभी आपको उसका इफ़ेक्ट दिखेगा। अगर आप एक दिन करके छोड़ देंगे तो किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट रिज़ल्ट नहीं मिलता अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। तो जनरेशन की जैसे कि मैं बात कर रही थी कि आजकल की जो जनरेशन है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि डार्क सर्कल होता क्यों है, मतलब कैसे आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो डार्क सर्कल्स होता है वो होता है स्ट्रेस की वजह से। हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं तो हमारा जो होता है, हम बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं, हम मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है। और तीसरा जो मेन है वो है हमारी नींद पूरी ना होने की वजह से। नींद पूरी नहीं होती, हम दिन भर काम करते हैं, रात में क्या होता है एग्जैक्ट टाइम पे हमें नींद आती है लेकिन अगर हम उस टाइम पे नहीं सोते हैं तो उसके बाद हमारी नींद जो है वो उड़ जाती है और दोबारा से हम सोने की कोशिश भी नहीं करते और देर रात तक जगते हैं। देर रात तक अगर आप 12-1 बजे तक जगते हैं फिर आपको 2 से 5 तक कितनी आपको नींद मिलेगी, फिर आपको सुबह उठना भी है, सारा काम करना है, तो फिर जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो उसका इफ़ेक्ट तो कहीं ना कहीं दिखेगा, वो दिखता है आपके अंडर आई सर्कल के नीचे और यहाँ पे धीरे धीरे वो स्टार्ट हो जाता है, पहले लाइट होता है और अगर आपने टाइम पे उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो बढ़ के ज़्यादा हो जाता है और उस समय आपको फिर करना ही पड़ता है क्योंकि वो देखने में काफ़ी ख़राब लगता है। तो आज मैं आपको ऐसी ही रेमेडी बताने जा रही हूँ जिसको प्रॉपर तरीके से अगर आपने यूज़ किया तो आपके 3 दिन के अंदर जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और अगर इसको लगातार आगे कंटिन्यू करते हैं तो एक टाइम बाद आपकी जो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल ही हट जाएगी एंड उसको आपको आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू करना है बस अपना खान पीन अपना सही रखिए, हेल्दी खाना खाइए, पानी बहुत पीजिए, जितना पानी पीएंगे उतना ज़्यादा आप हेल्दी रहेंगे और अंदर से
बॉडी भी डिटॉक्सिफाई होती रहेगी, तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम बढ़ते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। एंड रेमेडी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके। एंड लाइक कीजिएगा वीडियो को, आपका लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, हमें और भी इंस्पिरेशन मिलती है अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आने के लिए। एंड शेयर कीजिएगा ट्विटर में फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, एंड सोशल मीडिया जहाँ पे भी आप हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारे यहाँ पे बादाम यानी आलमंड्स, जहाँ पे मैंने 4 से 5 बादाम लिए हैं और इसको सोक करने को रख दिया था, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए एंड इसके जो ऊपर का जो पील है, छिलका है, वो निकल जाए। एंड इसके बाद आपको पूरा निकाल करके इसे मिक्सिंग जार में डाल देना है। बादाम में बहुत सारा विटामिन ई होता है जो आपकी स्किन को फॉर्म बनाता है और आपके स्किन के सेल्स को रिजेनरेट का काम करता है। तो इस तरीके से इसको छील करके एक जार में, कंटेनर में रख लेना है। तो इसी तरीके से सारे बादाम को छील के इसमें रख लेना है। फर्स्ट हमारा है इंग्रेडिएंट जो है वो है बादाम, एंड सेकंड है हमारा यहाँ पे रोज़ पेटल पाउडर। अगर आपको फ्रेश रोज़ मिलता है, गुलाब का फूल मिलता है, तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिल पाता है तो आप ड्राई रोज़ भी डाल सकते हैं पेटल, या फिर इस तरह का पाउडर, रोज़ पाउडर, पेटल पाउडर भी ले सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे लेना है। और यहाँ पे ऐड करना है आपको 1 स्पून बादाम रोगन। बादाम रोगन ऑयल स्किन को लाइट करता है, इवन टोन बनाता है, जो स्किन की डार्कनेस होती है उसे दूर करता है। एंड नेक्स्ट हमारा जो है वो है इंग्रेडिएंट हनी यानी शहद। शहद आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइजिंग करता है और आपके डैमेज स्किन सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है। तो यहाँ पे मैंने बादाम को छील के डाल दिया है एंड 1 स्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है रोज़ पेटल पाउडर। तो रोज़ पेटल जो पाउडर होता है वो गुलाब का फूल आपकी स्किन को टोन करता है, यानी कि आपके पोर्स को श्रिंक करने का काम करता है, स्किन की सैगिंग को दूर करता है। तो ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे शहद, एंड अब ऐड करेंगे हम इसमें बादाम रोगन ऑयल 1 स्पून। एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर दिया है इस तरीके से, बट इसे आपको अभी ऐसे यूज़ नहीं करना है, इसे हमें स्ट्रेन करना है। एंड स्ट्रेन करके हमें इसका अंदर से जो भी इसका जो ड्रॉप से पानी निकलेगा या फिर जो पल्प है वो हमें इसे सेपरेट कर लेना है इसका। तो इस तरीके से मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया एंड स्पून की सहायता से इसको प्रेस कर करके हमें इसका निकाला है। तो देखिए इस तरीके से आपको करना है और प्रेस करके इसकी जो चीज़ें हैं वो सेपरेट कर लेनी है। तो इसका जो गूदा बचता है इसको आप फेंकिएगा नहीं, इसमें ये थोड़ा दरदरा है, तो दही मिला करके आप इसका स्क्रबिंग की तरह फेस पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये जो पैक है वो रेडी हो गया है। सारी की सारी चीज़ें इसमें जो मिक्स हैं वो आपके स्किन को लाइटन करने का काम करती हैं और ब्राइटन भी करती हैं, और वहाँ के डार्कनेस को कम करके धीरे धीरे ये वहाँ की डार्कनेस जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से कवर कर देंगी, कम कर देंगी। तो इसको मैं अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना है आपको अपने सर्कल पे, आई सर्कल, अंडर आई में। तो यहाँ पे मैंने ले ली है बाउल, और हमारा जो सीरम कम क्रीम है या क्रीम कम सीरम आप कह सकते हैं, इसको फिंगर पे ऐसे टिप करना है और डबल फिंगर पे लगा करके आपको अपने पहले आइज़ के ऊपर हिस्से में आपको धीरे से हल्के हाथों से, बहुत प्रेस नहीं करना है, क्योंकि आइज़ की जो स्किन होती है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो आपको बिल्कुल भी
बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बहुत हल्के हाथों से आपको इसकी मसाजिंग करनी है। तो ओवर सर्कुलर मोशन में आपको अपने आईज के नीचे जहाँ पे आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है वहाँ पे एंड ऊपर अपर हिस्से में ऐसे राउंड राउंड करना है ताकि अच्छे से आपके आईज की जो मसाजिंग है वो हो जाए। और लगभग 5 से 7 मिनट तक आपको इसी तरीके से मसाज करना है। ये नहीं कि आपने 2 मिनट किया जल्दी से फटाफट और हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छे से मसाज करना है। जब आपका जो मिक्सचर है वो ड्राई होने लगे, आपको लगे कि एब्जॉर्ब कर ली है स्किन, तो अगेन आप वहाँ से मिक्सचर उठाइए एंड उसके बाद फिर से वहाँ पे इसी तरह सर्कुलर मोशन में मसाज करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको लगभग 5 से 7 मिनट तक मसाज करना है एंड उसके बाद आपको इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। तो देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि आपको किस तरीके से मसाज करना है अंडर आई के नीचे। और इस तरीके से अगर रेगुलर आप मसाज करेंगे तो 3 दिन के ही अंदर काफ़ी हद तक आपका जो डार्क सर्कल्स है वो कम हो जाएगा। तो 10 मिनट तक मसाज कीजिए एंड वॉश कर लीजिए इसको ठंडे पानी से। तो यहाँ पे मैंने ठंडे पानी से इसको वॉश कर लिया है और आपको रेगुलर इस तरीके से करना है। पहले ही बार में हल्का इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो अगर आप रेगुलर इसको करते हैं तो 3 दिन के अंदर ही आपको काफ़ी हद तक जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती नज़र आएगी। तो ओवरऑल इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपने कर लिया है तो थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।